नमस्कार, मैं परमानंद प्रजापति महात्मा गांधी धनवादी पुस्तकालय पुस्तकालय में मेरे अनुभव किस प्रकार से रहे है कि साकर अभी वर्तमान में हूँ। पुस्तकालय की महिमा के बारे में बताना दिल की कोई मोहताज। पुस्तकालय में पुस्तकें, ज्ञान और विचारों की एक किताबें पुस्तकालय में का एक संग्रह होता है, जिसमें पुस्तकें अधिक से अधिक मात्रा में रहती है। शांति प्रिय वातावरण, एकांत, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें और वरिष्ठ शिक्षकों का जो छाया छत्र से रहकर पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बड़ा सराहनीय है। मेरे गांव में इस प्रकार का पुस्तकालय खोलने के से मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस पर मैं विभिन्न प्रकार के पुस्तकें पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बड़ा सराहनीय है। इसी प्रकार का पुस्तकालय आसपास की गांवों में, पंचायत में खुले तो गरीब से गरीब उस विद्यार्थी का भी फायदा हो सकता है। पुस्तकालय में बीते कुछ अनुभव के बारे में हम बात करते हैं तो पुस्तकालय में कम से कम भी 5-6 महीने से लगातार मैं यहाँ पर अपना अध्ययन और अध्ययन के साथ साथ यहाँ पर जो अच्छी किताबें हैं, जैसे यहाँ पर 700 किताबों से भी अधिक किताबें पुस्तकालय में विद्यमान है, उन्हीं किताबों को, अच्छी किताबें को पढ़कर जो ज्ञान के अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, इस प्रकार का जो ज्ञान मिलता है वो बड़ा मन को संतुलित, मन को अच्छा लगता है। पुस्तकालय वो शक्ति है जिसमें सभी धर्म की पुस्तकें एक जगह समाहित रहती है, जहाँ पर सभी धर्मों के व्यक्ति एक जगह बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जो कि एक भाईचारे का संदेश मिलता है। सभी यहाँ पर अलग अलग आसपास के गांव से आकर यहाँ पर पुस्तकालय में समय व्यतीत करते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ फायदा भी है कि यहाँ पर उनके लिए छोटी छोटी बाल कथाओं, बाल जो कि बालकों के लिए छोटी छोटी किताबें भी यहाँ पर है। पुस्तकालय में शांति प्रिय वातावरण जो एक विद्यार्थी को जरूरत होती है, एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, बैठने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो, वो सब इस पुस्तकालय में पर्याप्त रूप से मिल रहा है। यहाँ पर इस पुस्तकालय के अंदर टेबल कुर्सियों के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छे वातावरण, एकांत और शांति प्रिय वातावरण। इस पुस्तकालय के अंदर कंपटीशन की किताबें, जो कि सभी सब्जेक्ट छोटी वैकेंसी से लेकर आरएस तक के लिए, पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पटवार, सभी प्रकार की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर पुस्तकें मौजूद है। और भी यहाँ पर पुस्तकें जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित और ग्रंथ, पद्मावत ग्रंथ और बाकी बहुत सारी यहाँ पर पुस्तकें विद्यमान हैं। पुस्तकालय में लिखे हुए शब्द पाठकों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। ये पुस्तकें इस प्रकार से पुस्तकालय यदि पंचायत के हर पंचायत में खुले तो कितनी अच्छी बात है कि गांव के विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, फिर आर्थिक, उनकी आर्थिक जो पैसा खर्च होता है बाहर जाकर, कमरा किराया लेते हैं, उसके बाद में लाइब्रेरी के अलग पैसा देना पड़ता है, तो कितने पैसे की बचत हो सकती है। इस प्रकार से गांव में यदि हर गांव में अगर एक पुस्तकालय खुले तो वहां के बच्चे को बाहर जाने का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पुस्तकालय में नवाचार के लिए आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उनको समझाए कि इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर और भी कई स्कूल जो खाली पड़े हुए हैं, उन सभी को
काम में लिया जाए जिससे कि विद्यार्थियों का फायदा हो सके। जब मैं पहली बार आया तो यहाँ पर व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन धीरे धीरे इस पुस्तकालय में व्यवस्थाएं प्रगति की ओर बढ़ने लगी। अभी यहाँ पर वर्तमान में 10 स्टूडेंट नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए आते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, जयंती के बारे में आपस में बातचीत, किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में बातचीत का एक ऐसा पीरियड रखा जाता है जिससे कि वो सुनकर आपस में डाउट्स को दूर कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया तो विष्णु जी से मिला। पुस्तकालय का नाम बाहर लिखा हुआ था मातृ जनवादी पुस्तकालय, सिर्फ मैं पढ़कर ही इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। जब मुझे लगा कि ये पुस्तकालय है तो मैं इनसे मिला, और पहली बार जब मैं यहाँ पर आया, इसके अंदर आया, तो मुझे पुस्तकें को जब देखा तो बहुत अच्छी पुस्तकें थी, जिससे मेरा मन और अधिक जुड़ गया पुस्तकों को देखकर, और धीरे धीरे मैं यहाँ पर आना शुरू हो गया। धीरे धीरे पुस्तकों में रुचि बढ़ी, पुस्तकों को पढ़ा, आसपास के मित्रों को बताया, उनको प्रेरित किया, फिर वो भी पुस्तकालय में आने लगे, और धीरे धीरे पुस्तकालय का जो स्वरूप है वो बढ़ता चला गया। एक टाइम ऐसा आया कि इस पुस्तकालय में कुर्सियाँ कम पड़ गई, उनकी भी व्यवस्था एक दो दिन के अंदर हो गई थी। इस प्रकार से पुस्तकालय अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अभी इस पुस्तकालय में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुस्तकालय को खुले हुए कम से कम भी 2 साल के लगभग हुए। अंशु जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सवाल है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के साथ साथ छोटे बालक बालिकाओं के लिए इस तरह के पुस्तकालय को आप किस तरह देखते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए भी ये पुस्तकालय बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ पर पढ़ने के लिए जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जिससे वो पढ़कर सीख सकते हैं, छोटी छोटी कहानियों से प्रेरित हो सकते हैं, बालकों के लिए बाल मनोहर हर यहाँ की पुस्तकें और कहानी चुटकुलों की पुस्तकें, ABCD जो प्रे क्लास में सिखाई जाती है उनकी पुस्तकें, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी है जिससे वो सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पढ़ने आने वाले पाठ को वो भी उनको पढ़ाने के लिए इच्छुक रहते हैं, कि जब उनको कोई नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आता है जिस टॉपिक, तो वो उनसे पूछकर अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। और छोटे ही नहीं, मैं खुद भी जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि कुछ डाउट्स पूछ लेता हूँ। तो जहाँ पर पुस्तकें होती है, पढ़ने वाले पाठक होते हैं, वहाँ पर एक अच्छा वातावरण होता है जिससे कि पढ़ने में रुचि पैदा होती है। किसी ने सच कहा है कि यदि आपको सफल होना है तो आप सफल लोगों की भीड़ में चले जाए, वो आपको धक्का मार मार के बाहर नहीं सफल बना देंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, यदि आप पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकों के इस प्रकार से पुस्तक
इंसान को पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अपने सिलेबस की पुस्तकें के अलावा भी और भी अच्छी अच्छी पुस्तकें सिलेबस से हटकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जब मनुष्य जब किसी कठिनाई में होगा, बाधाएं में होगी, और जब वो अपने आगे सोच विचार करने का निर्णय नहीं ले पाता, तब वो पुस्तकें ही उसको मार्ग दिखलाएगी। क्योंकि पुस्तकें में, पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती है वो ज्ञान और विचारों से भरी होती है, जो कठिनाइयों और बाधाओं में साथ देती है। अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़े जिससे ज्ञान में वृद्धि। फेसबुक पे किसी ने एक पोस्ट डाली थी, उसने लिखा था कि किसी भी मनुष्य का चरित्र उसके 5 मित्रों से मिलकर बना होता है, जो उसके साथ में रहता है, उठता है, बैठता है। तो जब उसमें आए हुए कमेंट में पढ़ रहा था, तो एक कमेंट ऐसा था, किसी ने किया था कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन 5 मित्रों की जगह 5 ऐसे महापुरुषों की किताबें, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे 5 महापुरुषों की किताबों को अपना मित्र बनाओ, उनके साथ उठना बैठना करो, तो कहीं ना कहीं उनके 100% में से 10% 5% आंशिक जो अंश है वो मुझ में समाहित होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि महापुरुषों की किताबों के साथ में रहना, उनके साथ में पढ़ना, उनके बैठना, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। मनुष्य जब तनाव से ग्रसित हो जाता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि अब क्या करें। कठिनाई का सामना करने के लिए ऐसा कोई विचार नहीं आता, वो सिर्फ एक ही मार्ग अपनाता है, आत्महत्या। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। जब व्यक्ति किताबें पढ़ता है, अलग अलग प्रकार की किताबें, विचारों से भरी हुई किताबें, मोटिवेशनल किताबें जब पढ़ता है, तो उन विचारों को अपना कर वो कठिनाई से जूझ कर भी उस स्थिति से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार से जब ज्ञान की किताबें, जब सिलेबस की किताबों से हटकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य इसके बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार से तनाव से व्यक्ति एक विचार उसे अपनी ओर ले जाता है, जो है आत्महत्या। वो इसी के बारे में सोचता, अधिकतर जो जितनी भी घटनाएं होती है वो इसी वजह से होती है कि वो ज्यादा सोच नहीं पाते। कोई भी हम जब एक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़ा हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हो, अच्छे विचारों से भरा हो, अच्छे मोटिवेशन, वो कभी भी इस प्रकार का निर्णय लेने नहीं लेता है। क्योंकि वो कठिनाइयों में जूझना पसंद कर लेता है और किताबों को अपना मार्ग बनाता है, जब उनके जो विचार वो उसी का सहारा लेते हुए उस कठिनाई से बाहर निकलता है। क्वेश्चन है कि आप ग्रामीण पुस्तकालय के भविष्य को किस तरह से देखते हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में ऐसा वातावरण बहुत कम जगह पर मिलता है, ऐसा वातावरण सिटी में भी नहीं मिलता। इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण में होने के कारण यहाँ के स्टूडेंट जिनको घर पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो वहां पर पढ़ नहीं पाते। घर की पारिवारिक स्थिति तथा वहां से तनाव मुक्त रहते हैं, वो यहाँ पर एक शांति प्रिय वातावरण में रहकर निशुल्क रूप से पढ़ सकता है। इस प्रकार का निःशुल्क पुस्तकालय बहुत कम जगह देखने को मिलता है। शहरों में
शहरों में इस पुस्तकालय की महीने की 500 रुपए से कम फीस नहीं होती है, गांव में इस प्रकार का वातावरण फ्री में मिलता है। तो बच्चों के लिए और विद्यार्थियों हम जैसे विद्यार्थियों के लिए कितनी अच्छी बात है कि इस प्रकार से हम घर पे यदि व्यवस्था न होने के कारण भी हमें कोई तकलीफ का सहारा नहीं कर कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तो गांव में गांव के विद्यार्थी और आसपास के जो व्यक्ति है जो काम करने के बाद में वो पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं, शिक्षक अपने कार्य से संपन्न होने के बाद में स्कूल समाप्ति के बाद में यहाँ पर आते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। तो गांव में इस प्रकार की एक पढ़ने की ललक और एक पढ़ता हुआ स्टूडेंट को देखकर दूसरा स्टूडेंट भी प्रेरित होता है। टीचर्स अधिक से अधिक इस पुस्तकालय के बारे में बताएं, जागृत करें, छोटे छोटे कार्यक्रम करें, पुस्तकालय के बारे में सभी को बताएं कि इस प्रकार से पुस्तकालय ग्रामीण क्षेत्र में खुला है, बच्चे अधिक से अधिक वहां पर पढ़े। तो जब मैं बता रहा था कि इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है, मनुष्य सोच नहीं पाता है, परेशान रहता है, तो वो ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपने शिक्षकों को और आने वाली देश की जो पीढ़ी है वो अगर आपकी जीवनी पढ़े, आपके बारे में जाने, तो कम से कम उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतनी ही छोटी सी कठिनाई के बाद वो अपना एक ऐसा बड़ा रास्ता चुन लेते हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूं, जब कभी लगे कि हार गए हैं तो एक बार उस कविता को सुने कि कायनात का है करिश्मा तेरा, चेहरा तेरा नूर है। कायनात का है करिश्मा तेरा, चेहरा तेरा नूर है। शौर्य गाता है जवानी, हुनर भी भरपूर है। खुद से रूठ जाने की गलती कैसे करता है जरा बता, बात गैरों के सुनकर क्यों करता है खुद को फना। ख्वाहिश से दिल की तेरी पैरों में मंजिल आएगी, ख्वाहिश से दिल की तेरी पैरों में मंजिल आएगी। चलते ही चलते रहना तो आंधिया ये टल जाएगी, पंखों से अपने आसमां को ये नाप ले। ताकत तेरी जहां बदले ताकत अपनी पहचान दे। दोस्तों आसपास के लोग डराएंगे, धमकाएंगे, आपको डरना नहीं है। इस प्रकार ऐसे ऐसे कुछ मोटिवेशन थॉट अपने दिल और दिमाग में रखे, घबराए नहीं, लगातार चलते रहे और घर वाले उससे कितनी आस लगाए बैठे रहते हैं। तुझसे है ये रोने के ख्वाहिश, तुझसे है ये रोने के खुशियां भी तेरा जिक्र है। तुझसे है ये रोने के खुशियां भी तेरा जिक्र है। एक आह जो निकले तेरी अपनों को कितनी फिक्र है। एक आह निकले जो निकले तेरी अपनों को कितनी फिक्र है। मुंह मोड़ लेना दुनिया फिर भी, मुंह मोड़ ले दुनिया फिर भी तू डरना नहीं। कुछ भी कर लेना ए चाहे दिल, फिर भी तू मरना नहीं। तो दोस्तों इस कविता को सुने, अपने अंदर उत्साह उमंग भरे, अधिक से अधिक पढ़े, गांव को प्रेरित करें, आसपास के गांव में इसके बारे में बताएं, शिक्षकों की भागीदारी अगर अच्छी हो जाए तो नवाचार के लिए आसपास की पुस्तकालय खुल सकते हैं। शिक्षक अपना अधिक से अधिक प्रयास दें और ये है कि जहां पर भी पुस्तकालय खुले, जो भी
भामाशाह 1000 पुस्तकें दान करना चाहे, दान करे तो उनको पुस्तकालय, पुस्तकालय के सभी सदस्य पुस्तकालय में पाठकों के द्वारा सम्मानित किया जाए। कोई भी स्टूडेंट या किसी भी प्रकार की पुस्तकें डंपिंग में नहीं डाले, डंपिंग में डालने के बजाय पुस्तकालय में दान करें, ताकि यहाँ पर उन जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें है, पुस्तकें कभी पुरानी नहीं होती, पुस्तकें कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन उनमें लिखे हुए शब्द वो कभी पुराने नहीं होते। जो कोई विद्यार्थी, जो कोई शिक्षक, जो किसी सेवा में कार्यरत है, वो अब उसकी वो आगे तैयारी नहीं करे तो ऐसी पुस्तकों को पुस्तकालय में रखे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का फायदा हो सके। पुस्तकालय में पुस्तकें इस प्रकार से करते रहेंगे तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी नहीं आएगी, और बाकी जितनी पुस्तकें की जो जरूरत है वो आसपास के टीचर से कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में 10-10 रुपए लेकर, 15-15 रुपए लेकर पुस्तकों, पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें की आवश्यकता की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास किए जाना चाहिए। जो भी पैसा ले है गुरु दक्षिणा के रूप में ही ले, जिसकी इच्छा हो वो इस प्रकार से दान करें। फिजूल खर्ची के को बचाएं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में सोचें। आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई सुझाव या किसी भी प्रकार की क्या आपके डाउट्स है, नायक के द्वारा ने कहा था कि गांव-गांव पुस्तकालय, ढाणी-ढाणी पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि पढ़ाई का स्तर को देखते हुए अधिकतर जो भी सर्विस में होते हैं गांव का ही विद्यार्थी होता है। जब गांव का विद्यार्थी आज से पढ़कर शहर में जाता है तो वो सोचता है कि मैं इतना पीछे क्यों, क्यों ऐसा इसलिए है कि उनको प्रॉपर जो मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण वो पीछे रह जाता है। फिर धीरे धीरे स्थिति समान होती है। इस प्रकार से शिक्षक भी बताए, आसपास बताए, बच्चों को बताए, छात्रों को बताए, उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश में रहने वाला विद्यार्थी उत्साह और उमंग से भरा रहता है, पढ़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण वो पिछड़ जाता है। यही कारण है कि गांव में विद्यार्थी पढ़ाई के रास्ते पर न चलकर और रास्ते में भटक जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। शिक्षकों का, पढ़े लिखे युवाओं का कर्तव्य है कि वो इसके बारे में बताए, उसका मार्गदर्शन करें कि अब आपको क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, इस प्रकार से बताए। तो दोस्तों,